तो गाइस हम लोग फाइनली अंदर से आ चुके हैं, मेरा माथे पट्टी का भी लग चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि ज़्यादा फोटो अलाउ नहीं था अंदर, तो मैंने कुछ ही फोटोज लिए हैं अंदर, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत ही मुश्किल चली हूँ। उन लोगों का झगड़ा भी हो गया था, बट इट्स ओके, के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और अभी यार हम लोग जाने वाले हैं गुरुद्वारे पास में ही, चलो चलते हैं। हाय गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो सामने मेरे जस्ट टेम्पल है जो हम लोग का है, और बगल में गुरुद्वारा है, मतलब दोनों एक साथ ही रख बनाएगा। और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ उसके पीछे चर्च है, जहाँ पे तो हम लोग कोई काम नहीं, हम लोग वहाँ पे क्यों जाएंगे, हम लोग गुरुद्वारा जाते हैं क्योंकि गुरुद्वारा भी अच्छा लगता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को अपना स्लीपर निकालना पड़ता है, यहाँ पे मैं स्लीपर निकाल के रख दी हूँ। देन आफ्टर आपको सर पे वो लेना पड़ता है दुपट्टा, बिना दुपट्टे के आप अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि नहीं लेने के बाद भी अंदर वो लोग बार बार कह रहे थे कि मेरा जो दुपट्टा था वो थोड़ा स्लिप करने वाला था, तो बार बार स्लिप हो जा रहा था, जैसे उसमें दिक्कत हो रहा था। और यहाँ पे मैं स्लीपर रखने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा हैंड वॉश कर लेती हूँ, क्या चप्पल छूने के बाद आपको हैंड वॉश करना चाहिए क्योंकि बेस्ट होता है, तो वो मैंने किया। फिर करने के बाद हम लोग ये जो आगे का वो था, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था, बट मैंने फिर भी आप लोग के लिए फ़ोटो लिया। और अभी हम लोग स्टेयर से ऊपर जा रहे थे क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ही है वो, तो हम लोग चलें फर्स्ट फ्लोर, आप लोगों को दिखाते हैं। फोटो नहीं लिया था, वीडियो बनाते नहीं। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ से हम लोग इनका दर्शन करते हैं, ये वो मेन अंदर का था। और यहाँ पे किसी बंदे का शादी हो रहा था जहाँ पे हम लोग देख रहे थे, मैं और मम्मी और पापा बैठ के, मैंने कहा चलो कुछ देर देखते हैं। तो आप लोगों को पता है कि पंजाबी वेडिंग जहाँ भी होती है वो गुरुद्वारे में ही होती है, तो यहाँ पे भी एक बंदी और बंदे का हो रहा था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हम लोगों ने बैठ के देखे और इन्जॉय किया। देन आफ्टर हम लोगों ने कहा कि चलो अब देखते हैं क्या है। तो गुरुद्वारे में आप गए हो तो वहाँ का प्रसाद अच्छा होता है, वहाँ का आप खाना आपको खाना चाहिए अगर आप लोग जा रहे हो। तो फिर हम लोग यहाँ पर कुछ देर आई थिंक 10 या 15 मिनट हम लोग बैठे थे, और हम लोगों ने सबको देखा, फिर एनालाइज़ किया, फिर कहा चलो बढ़िया आप चलते हैं नीचे। और ये रही आपकी प्यारी सुमन जो दुपट्टा उसके बार बार सर से गिरने के बाद भी संभालती हुई और हाथ में फ़ोन पकड़ी हुई है। तो गाइस ये देखो यहाँ पे ये गुरुद्वारे हैं, और बगल में हम लोग का हिंदू टेम्पल है, जस्ट दोनों एक ही साथ हैं। तो गाइस यहाँ पे लंगर जो खाने के रह रहा है गुरुद्वारे में वो वाला एरिया है, देखो लोग बैठे हुए वेट कर रहे हैं अभी। तो गाइस यहाँ पे लोग बैठे हुए खाना खाने के लिए। जो यहाँ पे गुरुद्वारे वहाँ पे 12 बजे एक बाद ही खाना मिलता है यहाँ पे, तो हम लोग भी कहें चलो खा के चलते हैं। फिर हम लोगों ने खाना खा के गुरुद्वारे से हम लोग बाहर आ चुके हैं, और खाना सही बताया तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था और काफ़ी मज़ा आया था। मैं यहाँ से भी खा पी के निकल चुके हैं। चप्पल अच्छा लगा से ले हुई चले कहती बहुत अच्छा हुआ घूमे कहते आई ब्लॉग। तो गई सब हम लोग जा रहे हैं घर, इसमें क्यों कहा करे जाए चर्च में भी रील बना ली। गाइस ये है मंदिर के बैक साइड, आप देख रहे हो जो हम लोग जिस टेंपल में गए थे इसके अंदर, ये उसका बैक साइड से था क्योंकि हम लोग राउंड करके जाना था, और पापा कह रहे थे कि स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे संडे के दिन पूरा लाइन लगता है क्योंकि ये यहाँ पे सिंगल मंदिर है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ था क्योंकि आज छुट्टी नहीं था, इसलिए हम लोग को खाली मिला और हमको दर्शन हो गया। बट पापा कह रहे थे ना ये आप देख रहे हो बस के साइड वाला, ये पूरा भीड़ में कवर रहता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है जो की छुट्टी के दिन होता है बेसिकली। पता है अगर आपको जाना भी दर्शन करने ना, तो जिस दिन भीड़ ना हो ना उस दिन जाया करो, भीड़ के दिन जाओगे तो आप लोगों को प्रॉपर दर्शन नहीं हो पाएगा। और ये वही गुरुद्वारा है जो जस्ट इसके पीछे था। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ का ये खत्म होता है और हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं दूसरे, और मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठ के अपनी जो भी कर रही थी। फिर हम लोग एक मॉल पहुँचे जो कि ये था, और मॉल के अंदर मैंने कहा चलो शॉपिंग करते हैं, बट मैंने सूट वेयर किया था तो पता ही है थोड़ा आप ट्रेडिशनल में, तो सभी लोग आपको देखते हैं, तो बट अच्छा लग रहा था, मेरे को मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं सूट पहन के घूम रही थी, आई जस्ट लव द सूट। और ये हम लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, तो हमने कहा चलो कुछ देखते हैं ताकि हम लोग कुछ खरीद सकें। फिर हम लोग धीरे धीरे घूम रहे थे दुबई मार्केट।
यहाँ पे ये चीज़ था कि यहाँ पे कपड़े तो काफ़ी अच्छे अच्छे थे, मतलब आपको पसंद भी आ रहे थे, बट उनके जो प्राइस थे ना वो काफ़ी टप लेवल के थे। यहाँ अगर आप यहाँ पे जैसे भी मॉल में जा रहे हो ना, आपको कोई भी कपड़ा लोगे ना आपको 1000 से ऊपर ही पड़ेगा, सीरियसली मैं बता रही हूँ। और यहाँ का फूड, यहाँ पे जो सब्जी वब्जी मिलता है, सब्जी वब्जी भी काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव मिलता है, जैसे इंडिया में सस्ता पड़ता है वैसे यहाँ पर तो नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आता होगा, बट कोई बात नहीं है। लेकिन सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, आपको हर मॉल में एक चीज़ मैंने कॉमन देखा था, वहाँ पे आपको चिकन जो था ना बहुत ही आसानी से मिल जा रहा था किसी। हाय गाइस, तो अभी हम लोग हैं पापा के जहाँ पे काम करते हैं, तो कराते हैं या करते हैं वहीं पे हैं हम लोग, आप लोगों को दिखाते हैं बाहर का व्यू। चलो, ये उनका कैफेटेरिया है, ये सबका कैफेटेरिया होता है, और ये उनका वर्किंग साइट है, ये आप देख रहे हो, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा घूमने आए थे। और यहाँ पर उनका काम चल रहा है, अभी काम अंदर चल रहा होगा, बाप रे इतना घर का। और यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये मेरी गाड़ी है, मम्मी अंदर बैठी हुई है, मैं बाहर हूँ। ये वो एरिया है जहाँ पे मेरे पापा रहते हैं, यहाँ पे से ये अभी हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे हम दूसरे एरिया में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पापा जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रूम बहुत नहीं मिल पा रहा था, खाली नहीं था, तो उन्होंने थोड़ा दूर गए हैं तो हम लोग को रूम मिल गया। बट ये जहाँ पे वो रहते हैं जिनका रूम भी यहीं से आस पास है, और यहाँ पे कई सारे मॉल्स, मतलब सिटी मॉल्स जो कह सकते हो आप, सारे यहाँ पे गाइस 3 मार्केट है, ये देखो यार 3 मार्केट बस मॉल है यहाँ पे, यहाँ पे फिर पीछे भी है बहुत सारा मार्केट है यहाँ पे यार। ये मेरे पापा जहाँ पे रहते हैं वहाँ का साइट है गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारा मार्केट है यहाँ पे, सस्ता मार्केट, जो भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। वीडियो बंद, फाइनली इतना घूमने के बाद हम लोग थक गए थे, क्योंकि मंदिर, गुरुद्वारा, फिर मॉल, फिर ये देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। और ये है दुबई का स्पोर्ट्स स्टेडियम जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा दिख रहा था, बट कभी इनसाइड जाऊँगी तो मैं आपको इनसाइड व्यू भी दिखाऊंगी, बट ये देखो बाहर का व्यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट।